दोस्तों आखिर कौन थे महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्ति? नंबर 1 पर मौजूद व्यक्ति की वजह से ही हुआ था महाभारत और उसकी चतुराई से ही महाभारत युद्ध का अंत हुआ था। अब महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर नहीं लड़ा गया बल्कि उनके पीछे कई चतुर रणनीतिकार थे। उनकी बुद्धिमता के प्रयोग से कई बार युद्ध का स्वरूप ही बदल जाता था। वे सभी एक से बढ़कर एक चतुर थे। तो आइए जानते हैं महाभारत के 10 सबसे ऐसे चतुर व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने पूरे के पूरे महाभारत की काया ही पलट दी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 10वें नंबर पर आते हैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने महाभारत में कई चतुर रणनीति बनाकर कई प्रकार के चक्रव्यूह के साथ और भी कई व्यूह रचनाएं की थी। अपने जीवन में मिले कई अवसरों को उन्होंने बड़े ही हिसाब से अपने लाभ में बदल दिया था। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, यह भी उनकी चतुराई को ही दर्शाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं अर्जुन को यह वचन दिया था कि वे उन्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी चतुराई के बल पर ही परशुराम जी को मजबूर किया था कि वह उन्हें अपने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दें। उनके ज्ञान और बुद्धिमता का तो इस तरह से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जब स्वयं भगवान विष्णु ने अपने नारायण अस्त्र को देने के योग्य माना था और उन्होंने अपनी कठोरता और बुद्धिमता के बल पर ही भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में स्वयं अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। 9वें स्थान पर हैं देवी सत्यवती। दोस्तों महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती, जो कि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, तभी तो उन्होंने अपने शर्तों के अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से यह वचन लिया था कि भीष्म की जगह वे उनके पुत्रों का ही राज्याभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे और इसी तरह भीष्म ने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया और उसके लिए खास प्रतिज्ञा ली। तभी तो वो देवव्रत से स्वयं भीष्म पितामह बने सत्यवती के कहने पर। वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु का जन्म अपने तपोबल से कराया था। सत्यवती ने समय समय पर हस्तिनापुर के राज्य प्रशासन को भी चलाया था। दोस्तों 8वें स्थान पर द्रौपदी को माना जाता है। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी कभी उन्होंने पांडवों की एकता को भंग नहीं होने दिया और बड़े ही चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्यपूर्ण वित्त संपत्ति का भी देखरेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं होता क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर द्रौपदी ने यह कार्य बड़ी ही सफलता के साथ कर लिया था। वो द्रौपदी थी जिसने द्यूत सभा में कई सारे प्रश्न उठाए थे कि आखिर क्यों स्वयं भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने कुरु वंश राजकुमारों के द्वारा किए गए इस अभद्र कार्य पर शांत रहे। वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमता शक्ति के कारण ही स्वयं कुरु वंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। 7वें स्थान पर हैं पांचाल नरेश। दोस्तों द्रुपद युद्ध कला में माहिर रणनीतिकार थे। द्रुपद युद्ध लड़ने से पहले ही वह ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों शत्रुओं को वो पराजित कर सकते थे। कहते हैं द्रुपद को एक खास प्रकार की कला आती थी जिसमें वे अपने ही कई सारे प्रतिबिंब बना लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकता था। ऐसी रणनीति उन्होंने तब भी बनाई थी जब वह एक साथ समस्त कुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वह पल भर में ही अपनी रणनीतियों को बदल देते थे और वो इसमें बहुत ही माहिर थे। यूं तो वो पांडवों के ससुर थे लेकिन उन्होंने कौरवों के विनाश के लिए
मानचित्र पहले ही बना लिया था। कहते हैं उनके सबसे बड़े पुत्र धृष्टद्युम्न का स्वयं जन्म तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही हुआ था। द्रौपदी का स्वयं अर्जुन से विवाह हुआ था और वहीं शिखंडी का जन्म स्वयं भीष्म को मारने के लिए हुआ था। ऐसे में कौरवों के दो सबसे मुख्य योद्धा यानी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध स्वयं द्रुपद के पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुआ था। छठे स्थान पर है देवी कुंती। दोस्तों, पांडव की माता देवी कुंती यह अच्छी तरह से भांप गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का विवाह पांचों पुत्र से करना अति आवश्यक है। यह उनकी बुद्धिमता को ही दर्शाता है। वो देवी कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमता को बार बार दर्शाती थी। लक्षाग्रह की घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडव के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, चाहे वो भीम का बकासुर के साथ युद्ध कर उनका वध करना हो या फिर कर्ण के सामने युद्ध से पहले ही यह खुलासा करना कि वो पांडवों के ही भाई हैं। और अंत में कुंती ने स्वयं कर्ण से यह मांग लिया था कि वह उनके सभी पुत्रों को बख्श दे। इसी वजह से कर्ण ने ना चाहते हुए भी पांचों पांडवों को छोड़ दिया था, वरना युद्ध में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हुई जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे। इस प्रकार चालाकी से कुंती ने अपने पुत्रों को बचा लिया था। पांचवें स्थान पर है कौरव के मामा शकुनी। दोस्तों, गांधार नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार थे और वह दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए रचे गए हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे। उन्हीं की कूटनीति के कारण अन्य राज्यों के साथ दुर्योधन ने अच्छे संबंध बनाए थे। शकुनी की चतुराई की वजह से ही युधिष्ठिर अपना राजपाट और अपने भाई और पत्नी को भी जुए में हार गए थे। शकुनी एक अच्छा योद्धा भी थे और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ी चतुर नीतियां करके दुर्योधन को मार्ग प्रशस्त किया था। और तो और उसकी चतुराई के कारण ही दुर्योधन इतनी विशाल सेना एकत्रित करने में सफल हुए थे। उसने 11 अक्षीणी सेना स्वयं कौरव पक्ष में शामिल की थी। मामा शकुनी इतना चालाक था कि अगर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण ना होते तो शकुनी की चालाकियां पांडवों को समझ नहीं आती और वे युद्ध भी हार सकते थे। चौथे नंबर पर मौजूद हैं स्वयं विदुर। दोस्तों, धर्मराज के पुत्र विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति और अत्यंत चतुर पुरुष थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया था और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि और बेहतरी के लिए राजा को उचित सलाह दी थी। विदुर काफी बुद्धिमान भी थे। वो दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले से ही भांप गए थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को लक्षाग्रह के समय पहले ही यह चेता दिया था कि दुर्योधन उन सबका वध करने वाला है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी का नतीजा था कि उनके द्वारा रची विदुर नीति आज भी कई सारे लोगों में बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र और यहां तक कि दुर्योधन को भी कई सारे बेहतर सुझाव दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। वह जानते थे कि युद्ध का विनाश बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, जिसमें कि पूरे कुरु वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वयं कौरवों का साथ नहीं दिया और वो निष्पक्ष रहे। ना ही उन्होंने पांडव की ओर से युद्ध लड़ा और ना ही दुर्योधन की तरफ से। दोस्तों, तीसरे नंबर पर मौजूद हैं स्वयं भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें रणनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण बनाया था। भीष्म पितामह एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे और काफी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने रोज चक्रव्यूह से भी खतरनाक कई व्यूह रचे थे और इसी वजह से भीष्म पितामह ने अपना प्रचंड रूप दिखाया था और उन्हीं की चतुराई से पांडवों की अक्षीणी सेना का वध हो गया था। वो हर दिन सैकड़ों की तादाद में कई सारे
सैनिकों का वध कर देते थे और उनके युद्ध कौशल और चतुराई की वजह से स्वयं पांडव भी थरथर कांपते थे, जिस वजह से ही पांडव ने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा था। भीष्म पितामह की बुद्धि का कोई भी जवाब नहीं था और ना ही उनकी ताकत का। इसलिए तो कहते हैं कि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। अब बात करते हैं नंबर दो की, जिस पर मौजूद उस बुद्धिमान योद्धा की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। वो थे स्वयं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वह किसी भी परिस्थिति में वे धर्म पर अडिग रहते थे और स्थिर मन से व्यक्ति के द्वारा पूछे गए जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। एक बार वनवास के समय यक्ष के तालाब का जहरीला पानी पीने से 4 पांडव की मृत्यु हुई थी। तब युधिष्ठिर ने ही यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे और अपने भाइयों को जीवित किया था। वहीं जब लक्षाग्रह के समय स्वयं विदुर जी ने उन्हें चेताया था कि किस तरह कौरव पांडव को मारना चाहते थे, तब उन्होंने ही बड़ी चतुराई के साथ योजना बनाई और लक्षाग्रह से बाहर निकले थे। वो हमेशा धर्म और चतुराई के साथ अपने पांडव भाइयों का मार्गदर्शन करते थे। उन्हीं की ये चतुराई कई बार उनके भाइयों के काम आई थी। अब इतने चतुर होने पर भी युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते दितक्रीड़ा में स्वयं अपने राज्य को, सभी पांडवों को और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से ही आदि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और फिर महाभारत शुरू हुआ था। अब महाभारत के विशाल युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री कृष्ण को बहुत ही छलिया और चतुर कहा जाता है, जिसका प्रमाण उन्होंने कई बार अपनी चतुराई और माया को दिखाकर भी दिया है। इसलिए नंबर एक के स्थान पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के इस महाभारत युद्ध की डोर अपने हाथों में रखी थी। कई बार अपनी चतुराई से इस युद्ध का रुख मोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके कई ऐसे काम किए जिन्हें छल का नाम दिया गया। लेकिन यह तो युद्ध नीतियां चतुराई हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिनमें श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके पांडवों और धर्म को महाभारत का भीषण युद्ध जिताने में सहयोग प्रदान किया। अब श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कर्ण के पास जब तक इंद्र का दिया दिव्यास्त्र है, पांडव कौरवों को हरा नहीं सकते और इस दिव्यास्त्र के रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएगा और शायद अर्जुन भी उस अस्त्र से बच नहीं पाते। अब इसलिए श्री कृष्ण ने चालाकी से उस समय महाभारत युद्ध में भीम के विशालकाय पुत्र घटोत्कच को उतारा था। अब घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना कर नहीं पा रहा था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्यास्त्र का उपयोग किया और घटोत्कच को मार दिया। अब इस प्रकार श्री कृष्ण की चतुराई ने अर्जुन को मारने के लिए रखा गया अस्त्र घटोत्कच पर उपयोग करवा दिया था। अब उसके बाद उन्होंने अर्जुन के हाथों कर्ण का वध करवा दिया। अब अगर कर्ण जीवित रहते, महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। अब पितामह भीष्म के वध के लिए श्री कृष्ण ने पांडव को शिखंडी का राज बताया और युद्ध में शिखंडी को लाने के लिए कहा, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में राजकुमारी अंबा था, जो भीष्म पितामह से बदला लेना चाहती थी और यह बात भी वही जानते थे कि पितामह भीष्म स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब अर्जुन ने वैसा ही किया और पितामह भीष्म को बाणों के शैया पर लेटा दिया। अब जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हो गया, जिसमें जयद्रथ की वजह से पांडव उसे बचा नहीं पाए, जब अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले शाम तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अग्नि में समाधि ले लूंगा। अब अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो शाम होने तक भी जब जयद्रथ सामने नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को छुपा लिया और ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है, जिससे कि जयद्रथ खुद अर्जुन के सामने आ गया। तब श्री कृष्ण ने सूर्य को वापस निकाल दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली।
अब श्री कृष्ण यह जानते थे कि जैसे ही दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने नग्न अवस्था में जाएंगे तो गांधारी अपनी दिव्य दृष्टि जैसे ही दुर्योधन पर डालेगी तो उनका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और दुर्योधन को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तब उन्होंने दुर्योधन को लंगोट पहनकर जाने की सलाह दी थी, इसलिए उसकी जगह का भाग वज्र का नहीं हो पाया। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो भीम के गधों का प्रहार का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब क्योंकि दुर्योधन की जांघ को छोड़कर उसका पूरा शरीर लोहे का बन चुका था, तब श्री कृष्ण ने भीम को गदा युद्ध के नियमों के विपरीत भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने को उकसाया, जिससे कि भीम दुर्योधन को घायल कर पाए। और जब दुर्योधन की शक्ति क्षीण हो गई तब भीम के हाथों उसका वध करवा दिया और महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया और पांडवों की जीत हुई। अब इस प्रकार बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण इस पूरे युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाकर शुरू से अंत तक अपनी चतुराई से युद्ध का रुख मोड़ते रहे और अंत भी उन्होंने जो चाहा वह कर दिया। तो यही थे 10 चतुर व्यक्ति जो महाभारत के सुनहरे पन्नों में आज भी अमर हो गए हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।